एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता इन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा।
आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।